सो गुड मॉर्निंग फ्रूटी भी गुड मॉर्निंग बोलो। सो मैं ये बिस्किट खाने के लिए निकाला था बट ये फ्रूटी आ गई देखो। हाफ लॉन्ग का बेकरी बिस्किट है। दे आर वेरी वेरी डिलिशियस, नॉट क्वाइट गुड, दे आर वेरी वेरी डिलिशियस। टुडे अगेन आई एम गोइंग आउट ऑन अ न्यू जर्नी बट टुडे इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू गो एंड मीट माई फ्रेंड्स, माई बैचमेट्स फ्रॉम स्कूल हुम आई हैव नॉट मेट इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज आके मिलेंगे। मैंने एक दो दोस्त को भी बुलाया है आके ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सी एंड आई एम आल्सो एक्साइटेड टू मीट माय फ्रेंड्स पेरेंट्स। बचपन में मिला करते थे व्हेन आई वाज अ नर्सरी, व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, वी यूज्ड टू मीट ईच अदर। बट अभी काफी टाइम हो गया, इवन दो हाफ लॉन्ग इज अ स्मॉल स्लीपी टाउन, सब टाइम हर किसी को मिलने का टाइम नहीं मिलता। एंड टुडे आई एम वेरी थैंकफुल सानी साहब एंड इट्स अ वंडरफुल डे फॉर मी टू वेंचर आउट एंड हैव सम गुड टाइम विद माय फ्रेंड्स टुडे। तो ये जो मेरा डायरी है इसके अंदर से मुझे आज कुछ कुछ फोटो मिले हैं। ये देखो, दिस इज माय बाबा एंड माँ, शी इज लाइक वेरी प्रीटी लुकिंग, बाबा टू, एंड हियर वी हैव माँ एंड बाबा। दिस वाज शॉट इन लद्दाख इन 2011, वी हैड गॉन ऑन अ फैमिली ट्रिप। और ये भी है लद्दाख में बाबा एंड आई लुक लाइक गोलू मोलू एंड आई ऑलवेज यूज टू वेयर दिस फ्लावर ऑन माई हेड। ये था बहुत एंड आई फाउंड दिस फोटो एज वेल, दिस वॉज इन पेरिस आईफिल टावर 2012। आई लुक वेरी वेरी यंग एंड दिस यूज टू बी अ रिवर्सिबल शर्ट। और मुझे आईफिल टावर जाके मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था बिकॉज इट वॉज सो क्राउडेड दिस एरिया एंड इट वॉज क्वाइट डर्टी। तो मैंने आज ये चूड़ीदार 2006 का शायद मैंने पहना है, पहनने का इच्छा हुआ तो रूम के अंदर काफी सुंदर लग रही थी बट बाहर आ तो इट्स ब्लैक एंड इट हैज सो मच ऑफ आई डोंट नो, कुछ कुछ बाल लगा है सो उसको सफाई करने में जा रहा है, आई डोंट नो कैसे कर रहे हैं इसको। एंड टुडे इज अ ब्राइट सनी डे, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड वेरी सून। मैं थोड़ा सा आधा घंटा लेट चल रही हूँ तो चलो आज हम चलते हैं मेरे दोस्त के घर एंड शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, हर नेम इज जुदिथ एंड आई एम एक्साइटेड, लेट्स गो। एंड आई एम गोइंग टू मीट माय अदर क्लासमेट्स आल्सो आज एज वेल, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है चलो। और आज मैंने ये जो सलवार सूट पहना है ये 2006 का है, मैंने लाजपत नगर से खरीदा था दिल्ली से, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स स्टिल वेयरेबल, व्हाट डू यू थिंक? या चलो थैंक यू। सो मोलहोई पूरा चेंज हो गया है, स्कूल टाइम में इसका घर आने में ऐसे नहीं होता रहा रे, डायरेक्ट सीरी से जुदित का घर पहुंचता रहा। हाँ। हम तेरा घर से खुश के नहीं मिलता लेकिन हम गली तो याद है तो गली ना। हाँ। oh, hello, madam. किसे? ठीक है ना, सुको रहा अंकल क्या करेगा जल्दी आओ बोला तो ट्यूशन है बोला कहाँ से लेके आया लाई अंकल तो ऐसे ही है फिट। सो हमारे दोस्त का घर में हम आया आफ्टर 20 इयर्स ना, माय गॉड स्कूल टाइम में तो इधर बहुत अड्डा मारता रहा 9-10। वाव इतना सुंदर फूल टू पत्ता टू इतना ज्यादा बुरो हो गया तो। हाँ सुंदर है, उठू भी देखो ना उसको क्या बोलता है लड्डू बोला तू लड्डू वाला मालूम नहीं कुछ है ये ऑर्नामेंटल टाइप है सुंदर है। माय गॉड 20 इयर्स स्कूल टाइम में बहुत डेटिंग वेटिंग किया करते थे 20 इयर्स हो गया फनी दिस रूम ओ हां और नीचे रूम में चौका रहा तो दिस इज सो नीट। हमारे दोस्त का घर तो देखो तो इतना साफ साफ उठो नदी नीचे से उसके बाद बोल दो रहा ना लेकिन आगे आगे मैं इतना घर तो नहीं रहा ना बा 20 इयर्स में तो बा अंकल थोड़ा आराम नहीं है ना क्या करेगा जगह भी नहीं है ना साल बाद आंटी 20 इयर्स बिस्किट थैंक यू ठीक है तो फिट है ना टाइगर होने से तो नहीं लगता नहीं लगता बगान कपड़ा बनाता अभी भी इसलिए फिट ही होगा। हाँ इससे तो नहीं आया लेकिन हाँ इससे आई कि हम लोग अंदर में बैठो बोला हम तो पूरा 3 बजे तक बैठा। ये जुदित लोग को बेडरूम रहा आई थिंक हम याद है ये वॉल टू ना और ये रूम टू बहुत ठंडा होता रहा था बहुत ज्यादा ठंडा होता अभी भी ठंडा होगा समर में तो इट्स लाइक एन एसी वाओ लेकिन ज्यादा पानी निकालता बोल के ना ये सब ओ ऐसे होता ना ऐसे होता पुटिन लगाया फिर भी ऐसे ही हम लोग भी ऐसे करा घर में और आगे में थोड़ा वाल उठाई के ऐसे करा तो ऐसे उनसे फिर छोटो हो जाता है ना फिर। हाँ बहुत ज्यादा छोटो हो जाएगा तो और वैसे भी इट्स वेरी कंजेस्टेड ना हम लोग का रूम आई डोंट हैव अ सेपरेट रूम आई हैव आई कांट स्लीप अलोन। हाँ दोरपुके बहुत तो इधर ही सोता है। हाँ माइलुकुन का साथ पे कभी कभी तो रात कभी बुला लेता मामाज डॉटर
वाह, इतना साफ से रखता रे, हमरा तो ऐसे नहीं है। क्या साफ? हर शू कलेक्शन। हाय रे, कहा साफ, इधर उधर कर देते हैं लुगुन। आइए आइए। हाँ नीचे में। हाँ किसे नीचे से रास्ता छो। इधर ना हैरान है ना इसको बनाने में। नहीं पता होता। वेरी सिंपल। सो ये है सिजो पत्ता, इसको इंग्लिश में यूरिया लीव्स बोलता, साइंटिफिक नाम। क्या साइंटिफिक नाम? साइंटिफिक नाम दूसरा, यूरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरिया, यूरिया, यू आर वाई ए। सो ये है यूरिया लीव्स। जुदित से ऑलरेडी सफा करके रख दिया नहीं क्या? यूरिया तो बोटनिकल नेम है ना, वही होगा शायद यूरिया, लेकिन और भी थोड़ा कुछ हाई और लंबा। यूरिया तो हम याद है, लास्ट टाइम हम मेपोक बनाया रहा ना। यूरिया लीव्स ऐसे तो सिजो पत्ता बोलता। सिजो बोलने से सबको मालूम होता ना। देखो पत्ता तो ऐसे होता है। ओ अच्छा होता ही नहीं पत्ता इसका भी। हाँ ओ, निकला। कोई हम स्टार नहीं लगाया रे अभी तो। लगाओ, अभी दिसंबर हो गया। हाँ। तो सबसे पहले है कि लाल चाय पीने लगता ना। लाल चाय हम तो बहुत पीते रहे। चाय हम इतना लाल चाय नहीं पीता। नहीं पीता हम तो, सेकंड राउंड भी मांगने सकता है इसे टाइप है। व्हेनेवर यू वांट। ये बर्तन देखो तो इतना अच्छा है, साइज भी राइट साइज। एक छोटा वाला भी है, बड़ा वाला भी है। तो से उसका सेट दिखाता है देखो, इतना गंदा वाला दिखाता है। उन्हें लगता ना इसे उठो वाला तो ना सेट तो। अंकल आंटी एंड जुदित के लिए साइज टू। हाँ ना क्यूट है। मैपोक बनाएगा अभी, मैपोक बनाएगा। जुदित से हमको बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि आई जाओ मैपोक बनाए देगा, लेकिन जुदित अंकल को बोलते है बनाने के लिए तो, बट अंकल इंस्ट्रक्शन ठीक है ठीक है होगा। ये पोर्क टू पहले से थोड़ा बॉईल करा ना, खाली बॉईल करा? नहीं बॉईल नहीं करा, उसको फ्राई करा। ओ फ्राई करा, उसका तेल निकालने के लिए ना। उसका तेल निकालने से अच्छा है, ये जो फैट्स होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है। वाह आगे का जैसे खाने सकता ना, कॉम कॉम खाता। शी इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड बोलता फिर? अलाउड नहीं है उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाता। ये वैसे भी अगर खाने में आ जाएगा ना तब तो नहीं। नहीं आपका एज कितना रहा? 77 ओनली। सो यंग। 77 यंग। सो अंकल इज ओनली 77 इयर्स यंग, और आई होप कि हम लोग भी 77 तक जाएगा। पहुंचेगा 77। हाँ तो पहुंचने दिल है ही। दिल तो सबका है ना। एकदम दिल है। सो हम भी थोड़ा अंकल जैसे जैसे हमको मन में टिप्स दे आप कैसे हेल्दी है। अंकल तो जैसे है हम छोटो में देखा, आफ्टर 20 इयर्स इज स्टिल लाइक द सेम अंकल दैट आई मेट 20 इयर्स अगो। चावल, ये चावल तो ऐसे कुछ स्पेशल राइस तो नहीं है ना? नहीं नहीं इट्स नॉर्मल राइस। इसको डाल देगा। वाह पकाने का अलग अलग तरीका होता है। समवन लाइक वो जो सिजो है ना। हाँ। जो स्मेल आता है ना उसका। हाँ। अच्छा होता है, पुलाव जैसा बनाता। और ट्राइबल पुलाव। हाँ ट्राइबल पुलाव। ट्राइबल खिचड़ी। ट्राइबल पुलाव। क्या बोला अंकल से? सिजो डाल देगा। हाँ सिजो डालेगा, उसके बाद में खार डालेगा बोला। अभी सब उसके बाबा को ही पूछते हैं अभी करेगा नहीं करेगा ऐसे। शी इज जस्ट लाइक लर्निंग ऑन द गो। अभी खार अच्छा, और तुम नहीं आने से तो हम नहीं सीख करा ना। तो अभी इसमें खार और सिजो एक साथ डालेगा। हाँ खार और सिजो एक साथ में डालेगा। कौन से शुरू करा? किसे आइडिया मिला? सिजो पत्ता से ही वक्सा तो टेस्ट होगा बोल के पुराना टाइम में है ना। हाँ ये ना मालूम नहीं है इसका मतलब, इसका ओरिजिन मालूम नहीं। बहुत एक्सपेरिमेंट करा भी होगा अलग अलग पत्ता के साथ में। हाँ तो एंड देन दे रियलाइज के सिजो के साथ में मैचिंग है। सोडा सोडा कुकिंग सोडा बोलता है। कुकिंग सोडा ये नहीं होने से खार भी देने सकता ना। हाँ, खार देने सकता लेकिन ना इस ये डालने से कलर टू ग्रीन होता है। ग्रीन। अच्छा, ग्रीन। हाँ ग्रीन मतलब पत्ता का ग्रीन जो रह जाता है। हाँ, नहीं तो सब ब्राउन ऐसा हो जाएगा। तो अभी हाँ गर्म पानी डाल देगा। गर्म पानी डाल देगा। गर्म पानी ही डालने लगता है ना, ठंडा से नहीं होगा। ठंडा पानी डालने से ना जैसे बोला लीव्स जो ना डार्क हो जाता है। और डाल दो। ची नहीं डाला ना? ना डाला, ची नहीं डाला अभी। हाँ इतना ज्यादा भात फूलेगा तो? ओ, ओ नहीं मालूम राइस फूलेगा ना। और भी दो। आपका पुराना जमाना फोटो दिखाओ ना हमको। और लंबा चूल
फेंक दिया क्यों उनसे अच्छा होता रहा क्यों और उनका पेन इतना बड़ा हुआ ऐसे बेल बॉटम जो पेन तो एकदम टाइट खुलने में दो आदमी तो क्यों पिंटा मतलब स्टाइल फैशन सो जुडिथ जस्ट टोल्ड मी कि अंकल का निकनेम जवानी में लेडी किलर रहा बोला अंकल असली को ने किया क्यों भाग गया एंड दिस इज सॉल्ट मार में सिजो बोलता मेपोक तो क्या है तो फिर मेपोक इज खिचड़ी मेपोक इज खिचड़ी तो मार लुकुन इसको कैसे एड्रेस करेगा सिजो मेपोक ओ सिजो मेपोक ओके तो अभी इसका खार बनाएगा खाना पकाने आया तो हाँ तो साइज तो इच्छु ही ना जितना भी साइज करो नो प्रॉब्लम हम तुम्हारा वही साइज देख के करते हैं आजकल का आलू अच्छा है उस पिघलता भी है अच्छा है हाँ हाँ आगे का वाला जो कवर होता ना हाँ उसको पकाने से भी नहीं पकता टोमेटो तो कैसे कटेगा भैया एनी काइंड वैसे भी खार में बनाया तो लेके आया देखो अंकल ये जब जवान में एंड दिस इज जुडिथ माय फ्रेंड और नेक्स्ट फोटो तो खोलो तो हमारे हाथ में पानी है ए अंकल ये तो कहाँ में है तुलपुई तुलपुई हाँ ना सुंदर ना जगह तो अंकल ये तो सूट है ना नहीं अभी नहीं तो सूट नहीं है नहीं खत्म नेक्स्ट क्या क्या दे देखा चूल लंबा वाला हाँ वही तो उस टाइम में एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक अलाइक आई डोंट नो व्हाई हमारा बाबा भी देखो सेम ही लगता है दिमासा मार सब देखने में सेम ही है उस टाइम में फैशन तो इसे रहा इस इसे भी देखा इसे भी डबल ब्रेस्टेड है बहुत ज्यादा हाथ सूट रहा तो अंकल को बहुत पसंद है नहीं कि डबल ब्रेस्टेड फ्रेम करके रखो अंकल और इठो नदी तो तार भी दिबुन ना है अंकल जो आगे में फेरी से जाता रहा बोला आप मालूम है फेरी से जाता रहा बोला तो दिहांगी हाँ वाह तो इतना मजा फेरी क्या है फेरी नौका में शिप में फेरी फेरी एफ ई डबल आर वाई वाला नौका नौका फेरी से पार करता रहा बोला आपका चम्मच तो हाय हो सो इस बर्तन में ये बैम्बू वाला यूज करने से अच्छा है हाँ 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 स्टील का होने से तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बर्तन के मारने खाता अच्छा मारने खाता पूरा हाफ लॉन्ग हिंदी हाँ बर्तन मारने खाता मतलब समझ गया दागी नहीं होने के लिए हमारा घर में तो ना ऐसे कैंची से काटने वाला सिस्टम तो नहीं रहा हम शादी होने के बाद में हमारा मदर इन लॉ बहुत कैंची से काटता तो हाँ सुविधा भी है तो ना ऐसे सुविधा है हाथ में ऐसे झाल होने का बोली ये केंची तो अब क्या कर रहा है इसका बदन तो बोलो इसको डीआईवाई करा ना हां डीआईवाई ओरिजिनल बॉडी इट है और लेकिन इसको भी क्यों फेंकेगा वेरी गुड वेरी नाइस ये मेरा क्या बोलता है तू इंस्ट्रूमेंट को अंकल मार्चोंग में सुखोत सुख सुख क्रोत क्रोत ये तो सुख माने ये तो सुखलीबा जिंगलेनिंगा थोड़ा सा ना यस इसका मर्चा डाल दिया ग्रीन चिलीज तो अभी डायरेक्ट खाली बॉईल कर देगा हो जाएगा हाँ उसमें नमक डालेगा खार डालेगा एंड देन फर्मेंटेड क्या बोलता तुम लोग क्या बोलता है उसको नथु उफ अंकल से एकदम दिमासा सकता दिमासा तो पूरा मालूम होगा किसका फोन ओए हम ना ओ हाय हु इज दिस गाय Oh, you are in my video. I came to meet uncle. Uncle ka saath gop marte. Itna jada ho gaya dekho to. Ha, phulega to. Phulega. She is my friend Shilo. Yeah, Aya. So she is my friend Shilo and she is a professor. Aur itu humko phone nahi karta. 20 saal ho gaya. Ye khar bhi baitha diya hai. Chada diya bolega na. चढ़ा दिया हिंदी क्वीन एक्सपर्ट हिंदी एक्सपर्ट है ना चढ़ा दिया है हमने चूल्हा पे इसको चढ़ा के अभी हम पकाएंगे पकाएंगे वाह 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 सो मेरा फ्रेंड का हाथ है ये चुंपुई का हाथ है
वो बोला कि कैमरा सरम कटा, लेकिन ये सलाद काटने वाला जो थोड़ा दिखाई देगा, सलाद में देगा। दोस्त से अंगूठू गारी नाफलम उसको गर्म पानी में ऐसे मिलाई दिया, क्योंकि उसका बोन्स नहीं मांगता। तो बोन्स तो क्या होगा अभी, अभी पूरा इशू डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ नहीं, खाली उसका पानी लेगा हम। ओनली द वाटर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कांता संता सब खाई देता। आई डोंट वांट। बादाम है, वन काइंड ऑफ बादाम। सो ये वन काइंड ऑफ बादाम है बोला, फ्रॉम मणिपुर, लाफाते हो बोला, मालूम नहीं लाफाते हो, ये ऑलरेडी सीजन होता नहीं क्या? हाँ सॉल्टेड है तो फ्लेवर अच्छा है रे, अलग है। जुदित का कुकर का नाम है मिस मैरी, आज ही मालूम हुआ। It's written there. हाँ, ज़्यादा टाइट है तो। वो देखो मिस मैरी, I didn't know. तो बोलते हैं मिस मैरी ऐसे होता है, बोला हम लोग मिस मैरी कौन सा टीचर हम लोग को ऐसे। Have it, have it. ये खाने आए हैं सिज़ो में पॉप। गर्म है, मुंह जलेगा नहीं? नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। So आज जुदित से बनाया मैं पॉप, with the help of uncle. हम देखा। क्या हुआ? तेसे तो। तेसे? थैंक यू। तो हम धीरे धीरे खाएगा, और ये खार भी तेसे। हम लोग जैसे ही बनाता है, बस थोड़ा अलग से बनाया, मतलब नाफलम को पहले गर्म पानी में डाल दिया, और ये सैलेड छुपुई से बनाया। तो हम खा लेगा अभी, एंड देन आई विल सी यू सून। ओए अंकल, तो हमने यूट्यूब देखता नहीं किया जो हमको बोला। तो मेरा दोस्त जुदित के घर पे खाना खा के अभी वी आर गोइंग बैक होम, और ये है EFCI चर्च, और उसके बाद है वो FCI चर्च। डेकोरेशंस आर गोइंग ऑन फुल स्विंग फॉर क्रिसमस। चलो पहुंच गए आंटी। फायरवुड हैज बीन कलेक्टेड फॉर क्रिसमस, क्रिसमस में इसको जलाएंगे टू यूज दिस। इसी इसका घर में हम चलो, बट यू आर बेटर नाउ अभी तो। ठीक है, बाय। सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम मोलहोय, और अच्छा दिन था। 2:30 तक हमारा सारा शूटिंग भी हो गया, दोस्त से मिलना भी हो गया, खाना भी हो गया। आई वाज जस्ट चेकिंग माय माइक। सो अभी घर आ गई हूँ, अभी थोड़ा सा एडिट करूंगी, और सुनने में आया है कि इलेक्शन डेट डिक्लेयर हो गया है आज, राइट? कंफर्म? हाँ, सो इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया है, 8 जनवरी को पोलिंग है एंड 12 को काउंटिंग। सो टाइम है भी हाथ में और नहीं भी है, सो अभी से शायद आप लोग को कैंपेनिंग मोड वाला वीडियो आपको देखने मिलेगा। बट आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द वीडियोज दैट आई कीप डूइंग, मीटिंग विद पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैबिट्स, वो मैं ट्राई करूंगी इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने व्लॉग्स में। एंड आई होप यू कीप सपोर्टिंग मी इन ऑल माई वीडियोज, एंड यू ऑल हैव बीन वेरी काइंड, यू ऑल हैव बीन सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी ऑल दिस वाइल। सो मैं वही आशा करती हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड एंड सी यू ऑल लेटर।